हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। मेरा नाम है एसएमसी कपिल देव। एसएमसी मतलब स्वास्तिक मोबाइल केयर। और पहले आज बात कर लेते थी, ये हटा लेते हैं, ये मुझे थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है। लग रहा है मैं अपनी आवाज खुद सुन रहा हूँ, अब थोड़ा ठीक है। टेस्ला कंपनी ने 272 मिलियन डॉलर का बिटकॉइन सेल कर दिया। 272 मिलियन डॉलर बहुत सारे होते हैं। 272 मिलियन डॉलर का सेल कर दिया, क्यों करा? अब ये फरवरी में तो उन्होंने लिया था, तो मैं पहले जिन लोगों को नहीं पता तो उनको मैं बता दूं कि उन्होंने पहले लिया था 1.5 बिलियन डॉलर का बिटकॉइन खरीदे थे। मतलब तकरीबन अगर मैं बात कर दूं 48,000 जो है उन्होंने परचेज करे थे, उन्होंने बिटकॉइन लिए थे 48,000 बिटकॉइन। और बाप रे, बहुत ज्यादा 1.5 बिलियन डॉलर के, और अभी उन्होंने बेचा है 272 मिलियन डॉलर। समझ रहे हैं आप, 272 मिलियन डॉलर के बेच दिया। अगर मैं टोटल की बात करूं तो 10% उन्होंने अपने सेल कर दिए। अब 10% अगर सेल करी कोई बड़ी कंपनी, 10% इलॉन मस्क, अगर उनका एक ट्वीट भी आ जाता तो मार्केट हिल जाती है। इलॉन मस्क भी उसके जो है मालिक नहीं है, सीईओ है। जो लोग नहीं जानते, टेस्ला कंपनी के सीईओ है इलॉन मस्क जी। अच्छा, उन्होंने जो बेचा है अपने 10%, और उन्होंने अपने एक मतलब अगर मैं बताऊं तो ट्विटर वगैरह और जहां पर उनकी वेबसाइट पे, उसमें मेंशन करा है कि हमने अपना जो रेवेन्यू है, जो हमने प्रॉफिट है बुक कर लिया था, 10% हम उसका सेल कर रहे हैं, तो एज ए प्रॉफिट हम इसको सेल कर रहे हैं। और तो इलॉन मस्क जी ने साइट पे भी अपने मतलब वेबसाइट पे भी बताया कि हमने अपना प्रॉफिट जो है वो बुक कर लिया था, पूरे का नहीं, मैं जितने की बात कर रहा हूं, प्रॉफिट जो है बुक कर लिया, रेवेन्यू बुक कर लिया था, इसलिए हमने उसका 10% बेच दिया। तो मतलब एक ये छोटी सी न्यूज है कि टेस्ला कंपनी ने, ध्यान दीजिएगा, ये इलॉन मस्क जी ने नहीं बेचा है, इलॉन मस्क ने नहीं बेचा है, ये बेचा है टेस्ला कंपनी ने। टेस्ला कंपनी ने ही खरीदा था, इलॉन मस्क ने नहीं खरीदा था, टेस्ला कंपनी ने ही खरीदा था, और टेस्ला कंपनी ने ही बेच दिया अपना 10%, 272 मिलियन डॉलर का बेच दिया है। अब इससे क्या होगा, मार्केट का क्या होगा? मतलब मार्केट क्या डाउन चली जाएगी? वही होगा दोबारा कि बिटकॉइन को इतना बेच दिया तो डाउन चला जाएगा? तो ऐसा नहीं है। देखिए, बड़ी कंपनी बेचती है, और इलॉन मस्क जी की अगर मैं बात करूं, अगर छोटा सा ट्वीट भी आ जाता तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो इलॉन मस्क ने बेच दिया, क्या होगा कंपनी का? पैनिक होएगा। अब ये आपके और मेरे पे और मार्केट के कुछ नेचर पे डिपेंड करते हैं, क्योंकि टेस्ला कंपनी से भी ज्यादा कई कंपनीज ने बिटकॉइंस खरीद रखे हैं। ऐसा कोई बात नहीं है कि खाली टेस्ला कंपनी ने इतना पैसा इन्वेस्ट करा, बहुत सी कंपनियों ने करा, मगर टेस्ला कंपनी क्या है, न्यूज में रही तो उसका लोगों को पता है, तो इतना कोई इंपैक्ट पड़ने की मतलब नहीं पड़ेगा, मुझे नहीं लगता है। ऐसा क्या है कि हम लोग नेचर के ऊपर डिपेंड करते हैं, इसके मार्केट के नेचर के ऊपर कि क्या होगा। हो सकता है डाउन हो जाए, थोड़ा बहुत हो सकता है, क्योंकि देखिए छोटे बायर होते हैं, उनको ये चीजें समझ नहीं आती है कि उनके दिमाग में यही होता है कि छोटे छोटे बायर भी वही होते हैं कि यार इलॉन मस्क ने बेच दिया, कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है। दिमाग में यही है, एक स्टूडियो टाइप बना हुआ है कि डॉज कॉइन में भी ऐसा ही हुआ था, इलॉन मस्क ने एक छोटा सा ट्वीट करा था और काम हो गया था। अब बेचा है टेस्ला कंपनी ने, बेचा अपना 10% बेचा है, 272 मिलियन डॉलर का बेचा है, 1.5 बिलियन डॉलर का उनके पास है, अभी भी है, मतलब उतने का ही खरीदा तो उतना ही उन्होंने अपना जो प्रॉफिट बुक करा था वो बेचा है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, कितने चैनल फालतू बता रहे हैं यार, आपको इतना बढ़िया टेढ़ा मेढ़ा ग्राफ दिखा के दिखा रहे हैं, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं होगा, कोई मार्केट नहीं होगी, थोड़ी बहुत फ्लक्चुएट हो सकती है, छोटे छोटे बायर थोड़े घबरा जाते हैं, अप डाउन करते रहते हैं, फ्लक्चुएट हो सकती है, घबराने की जरूरत नहीं, कोई डंप नहीं आएगा, फर्स्ट क्लास चलेगा, टेंशन फ्री रहिए। और जो लोग नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना ताकि आप मेरी वीडियो देख पाए सबसे पहले, और टेलीग्राम बनता है, बॉस बनता है, 2K फैमिली हो चुकी है टेलीग्राम पे भी, तो उसको भी आपने ज्वाइन करना है। टेलीग्राम पे मैं आपको पल पल के नोटिफिकेशन देता रहता हूँ, जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए उनको पता है मैं टेलीग्राम पे देता रहता हूँ, कुछ कुछ होता है, जो भी चीजें होती हैं, जो भी अपडेट्स होती है, ये भी अपडेट मैं दे सकता था, मुझे कोई इतना खास अपडेट नहीं लगा, मगर कई चैनल ने यार इसका कुछ और ही बना रखा है, और तरह से ही समझा रहे हैं, और तरीके से ही दिखा रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं यार 10%। और दूसरी वीडियो देखिए, काफी सारी मेरे को कमेंट आ रहे हैं कि यार सर इसकी वीडियो बनाओ, उसकी वीडियो बनाओ, दो वीडियो है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, कौन कौन सा पंप होगा, कौन कौन सा नहीं होगा वो भी बताऊंगा, और कौन सा आपको खरीदना चाहिए वो भी मैं जरूर बता दूंगा आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, अभी नहीं, नेक्स्ट वीडियो देखना पड़ेगा, समझ रहे हो ना, देखना पड़ेगा। तो अब आपने क्या करना है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना ताकि आप मेरी वीडियो सबसे पहले देखा, नए सब्सक्राइबर जितने आए ना भूल जाओ, सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ये वो चैनल है ना जो आपको प्रॉफिट दिलाता है। वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं, कोई चाह नहीं है दोस्त कि वीडियो बनाऊं और आपको दिखाऊं व्यूज, कोई ऐसा नहीं है,
व्यूज की चिंता नहीं है, प्रॉफिट हर एक बंदे को मिलना चाहिए, एक एक बंदे को मिलना चाहिए। तो जो मेरे से जुड़ा है ना, वो पता है उसको मैं प्रॉफिट दिलाता हूँ। हर मेरी पूरी हर एक एक फैमिली मेंबर को पता है प्रॉफिट दिलाता हूँ, लॉस में किसी को नहीं है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इसी साथ के साथ कि भाई प्रॉफिट कराएगा। थैंक यू सो मच।